दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बुलडॉग। इसका पहला पार्ट है मुकाबला। ये डोगा ही कॉमिक्स है तो आप उसको पढ़ लेना। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डोगा का फोल्डर होगा उसके अंदर। तो अगर आप वो पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है तो इसको आप पढ़ लेना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा कम लंबी बने। तो यहाँ तक की स्टोरी मैंने पढ़ ली थी मुकाबला में। अब आगे पढ़ते हैं। सूरज अपने आप को नियंत्रित करने की भरसक चेष्टा कर रहा था। ओ, यह तो वही स्टेडियम वाली लड़की है। सुनो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। चाहो तो पुलिस के सुपुर्द कर दो या मेरी मदद करो। मेरा यकीन करो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं जानती हूँ सूरज की तुमने कोई जुर्म नहीं किया। जान क्या सोचकर क्या उठी है। जाओ सूरज, आओ जल्दी करो। भैया किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। भैया इंस्पेक्टर चीता मेरा भाई सूरज। ओह, इस रहस्य उद्घाटन पर उछल पड़ा सूरज। सिगरी उस कमरे से बाहर निकली है। फर्श पर बने खून के इन बड़े बड़े धब्बों को भी सिगरी मिटाना होगा। इसी पल बारीक और गूंज उठी कदमों की आटे। मोनिका की निगाह देख रही थी खून के उन धब्बों को जो सूरज के आगमन की चुगली खा रहे थे। उफ, आते भैया भैया की निगाह पड़ेगी उन खून के धब्बों पर और फिर मैं ना छुपा सकूंगी भैया की चीते सी निगाहों से सूरज को। द्वार खटखट खटखटा दिया गया। आवाज 100% चीता की थी, इंस्पेक्टर चीता की। दरवाजा खोलो मोनिका। उफ, क्या करूं मैं, ये भगवान रास्ता रास्ता दिखा मुझे। जाने क्यों बचाने पर तुल गई थी वह सूरज को। फिर रास्ता दिखाई पड़ गया। उसे बाछी तरह झपट कर उठा लिया उसने वह चाकू। दरवाजा खोलो मोनिका। मस्तिष्क में चल रही थी आंधिया। किसी जबरदस्त निर्णय के साथ ही जबड़े शक्ति से बिछ गए थे उसके हाथ। पागल जो हो गई थी वो शिकारी। दर्द का तूफान आंखों से छलक उठा। तब आगे बढ़ी वो और द्वार खोलते झोंके के समान भीतर प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। मोनिका, यहाँ कोई आए तो नहीं। रुका नहीं चीता बालकनी के दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। कहाँ से लगा है? कुछ देर पूर्व इसी ओर बढ़ते देखा था मैंने डोगा को। और वापस भीतर कदम रखते उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। खून मोनिका का। डोगा किधर गया वह था वो हत्यारा। डोगा हत्यारा? मोनिका के हृदय में फांस की तरह छुप गए वे शब्द। मोनिका, यह खून से हत्यारे डोगा का है। बताओ कहाँ है वो, किधर गया डोगा? उफ, ये क्या। मोनिका की खून से निकलाई देख शेर गया इंस्पेक्टर चीता। कितना खून बह रहा है और तू तो जरूर उस चाकू से लगा तुझे कहा। उफ, और मैं समझ रहा था कि ये खून उसका है। कितनी बार कहा तुझे कि चाकू हाथ में हो तो अपना इशारा ध्यान ध्यान वही रखा कर। कभी सोचा कि तुझे कुछ हो जाता तो चीता तो जीते जी मर जाएगा ना। गुब्बार फूट पड़ा आंसुओं के सैलाब के साथ। हंस पगली, देख रोना नहीं, चीता होऊंगा मैं दुनिया वालों के लिए। तू रोई तो रो देगा तेरा भाई भी। भैया, अब बहुत बच्चे बन गए थे जैसे दोनों। तभी सब इलाके का चप्पा चप्पा छान लिया गया है पर डोगा कहीं नहीं मिला साहब। और ठीक है तुम चलो, मैं भी आता हूँ। फिर मोनिका, दरवाजा भीतर से बंद कर लो। और हाँ, आज तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से ही लेता आऊंगा। इंस्पेक्टर चीता के बाहर जाते ही द्वार बंद कर लिया मोनिका ने। और तुमने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहा दिया, पूछ सकता हूँ क्यों? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पुलिस तो डोगा की तलाश में, फिर तुम भैया से क्यों छिपते फिर रहे हो? चौंकने का जबरदस्त अभिनय किया उसने। क्या, पुलिस डोगा के पीछे लगी है? डोगा, तुम्हें किस नाम से पुकारू? मिस मोनिका, मेरा नाम मोनिका है। जख्म फिर से रहे होगे। मोनिका कितना मिलता जुलता नाम है ये सोनिका से। क्या सोचने लगे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सूरज। मोनिका, डोगा को स्टेडियम से भगाने की जो व्यवस्था तुम्हारे भैया ने कर रखी थी उसमें मैं बाधक बन गया था। यहाँ तक कि तुम्हारे भैया पर हाथ भी उठा बैठा था। इसी बात पर इंस्पेक्टर चीता मुझसे नाराज है, इसलिए उसे देखते मैं भाग पड़ा कि कहीं वो मुझे गिरफ्तार न कर ले। पर अब तुम्हारी बातों से स्पष्ट हो गया कि इंस्पेक्टर चीता मेरा नहीं डोगा का पीछा कर रहा था। और फिर अपने घायल होने की भी कहानी मोनिका को सुनाता चला गया। बुलडॉग के बंगले की एक एक ईंट गूंज उठी थी उन धमाकों से। दाएं 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 सारी की सारी गोलियां उस रिवाल्वर ने उतार दी थी डोगा और इंस्पेक्टर चीता के सीनों में। और फिर उन पुतलों को ठोकर मारकर गिरा दिया उसने। धड़ाक धड़ाक लार टपकाते कुत्ते की तरह घूर रहा था बुलडॉग। इंस्पेक्टर चीता और डोगा, तुम्हारा हसर इससे भी बुरा करेगा बुलडॉग। डोबर बुलहाउंड, इंसान हो या शैतान, प्रत्येक की कोई न कोई कमजोरी होती है।
रोगा और इंस्पेक्टर चीता की ऐसी नसों का पता लगाओ जिस पर अगर बुलडोग हाथ रख दे तो दुश्मन को तड़पने का भी मौका नहीं मिले। हा 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 ओके बुलडोग जिम में सूरज की आदत देखकर उछल पड़े अध्यक्ष चाचा। सूरज मेरे बच्चे ये सब कैसे हुआ? अध्यक्ष चाचा रात को समगलोर ने कुत्ता वैन की आड़ लेकर सोने की तस्करी करनी चाहिए पर मैं वक्त पर पहुंच गया। ये मामूली से जख्म जरूर मिले किंतु लुटेरे को सोने सहित इंस्पेक्टर चीता के सुपुर्द करने में मैं कामयाब रहा। इस घटना की सबसे खास बात रही इंस्पेक्टर चीता की बहन मोनिका। ओह क्या कहा था तुमने अभी कुछ देर पहले कुत्ता वैन किसी कुत्ता वैन का जिक्र कर रहे थे न तुम? ओह आओ दनिया। हाँ दनिया चाचा लेकिन आप यह सुनकर क्यों चौंक रहे हैं? इसलिए कि वह वैन भी कुत्ता वैन थी जिसमें सवार कातिलों ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किया था। भूकंप सा मच गया सूरज के मस्तिष्क में। क्या इसका मतलब हुआ कि 50 लाख का वह सोना भी बुलडोग का था? इसका मतलब बुलडोग के पकड़े गए आदमी मुझे बुलडोग तक पहुंचा सकते हैं लेकिन अब तुम्हें उन्हें पुलिस हिरासत से कैसे हासिल करोगे सूरज? कल कोर्ट बंद थी निस्संदेह जीवन स्मगलर को अदालत में पेश किया जाएगा। कोई निर्णय नजर आने लगा सूरज के चेहरे पर। सूरज इस काम में खतरा है जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई मैंने अदरक चाचा उस काम में तो पग पग पर बिछी है मौत। अगर मौत से डर जाएगा डोगा तो एक चीटी भी न पकड़ पाएगा वो। मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर चीता क्योंकि जंग बहादुर के हत्यारे को तुम्हें सौंपने का वादा किया मैंने। मांस की बोटियां कुत्तों को खिलाते हुए बुलडॉग के चेहरे पर क्रूर भाव उभर रहे थे। डोबर बुलहाउंड इंस्पेक्टर चीता आज टाइगर इत्यादि को कोर्ट में ले जाने वाला है। अगर टाइगर और हमारे वो बाकी साथी इंस्पेक्टर चीता के सामने टॉर्चर चेयर पर बंद गए तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप फिक्र न करें बुलडॉग वैन कोर्ट में भले ही पहुंचाए पर टाइगर और उसके साथी कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। इधर डोगा भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त ये लोरी 5 किलोमीटर लंबी यह तंग वैन वन वे सड़क पुलिस वैन में सवार बुलडॉग के आदमी वैन के पीछे आते इंस्पेक्टर चीता की जीप और खुद डोगा यहाँ एक पल की भी चूक का अर्थ होगा इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में खतरे की घंटी का बज उठना। लोरी की विंड स्क्रीन क्यों हटी हुई थी? पुलिस वैन दिखाई पड़ती चौकन्ना हो गया डोगा। अपनी लोरी को वैन और इंस्पेक्टर चीता की जीप के बीच अड़ाना मुझे। इसको ले खाती वैन डोगा की लोरी के आगे से निकलती चली गई। इसी के साथ कससे चले गए डोगा के पांव एक्सीलेटर पर। गुरुम बरबस से निकल गया इंस्पेक्टर चीता के मुंह से। ओ ये लोरी बीच में कहां से आ गई? 5 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क पर अब हमें इसी लोरी के पीछे चलना पड़ेगा। क्या जानता था चीता की क्या होने वाला है? काश वह देख पाता लोरी की ड्राइविंग सीट पर बैठे डोगा को जिसने उछाल दिया था वह गोला उस पुलिस वैन की ओर। चौक पड़े पुलिस से अरे यह क्या उफ गैस बम। तीव्र गैस ने सोचने तक का अवसर न दिया उन्हें। आह उफ विंड स्क्रीन से रेंगकर लोरी के बोनट पर निकल आया डोगा। लोरी के एक्सीलेटर व स्टीयरिंग के एक साथ एंगल में सेट कर दिया मैंने। अब यह इसी गति से सीधी चलती रहेगी। इधर इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में चल रही थी विचारों की आंधियां। डोगा इस काम से फारिग होकर मैं एक बार फिर तुम्हारी तलाश करूंगा। जंग बहादुर का खून तुम्हें माफ नहीं कर सकता चीता। इधर डोगा उस खतरनाक कार्य को अंजाम देने में लगा था। वाह क्या एक्शन सीन है जबरदस्त। स्मैकम में मेरे पास 5 किलोमीटर की दूरी सिमटने से पूर्व खत्म कर लेना होगा मुझे अपना काम। बहुत बढ़िया सीन है। इंस्पेक्टर चीता की नाक के नीचे खेल रहा था डोगा मौत का वो खेल। यह चाबी इस वैन के दरवाजे को मेरे हाथों टूटने से बचाएगी। क्लिक गैस बम का तीव्र असर कैदियों वाले कैबिन तक हुआ था। इनमें से केवल एक की आवश्यकता मुझे। इस प्रकार इंस्पेक्टर चीता की सारी चीतागिरी को दत्ता बताकर डोगा चुरा लाया उसे एक कैदी को और फिर तीव्र गति से उस मोड़ पर घूम गई डोगा की लोरी। इस एक कैदी की गैर मौजूदगी खतरे में डाल सकते हैं इंस्पेक्टर चीता की नौकरी को। और दर्शक को नॉर्मल ही दिखाई पड़ रहा था चीता को। ड्राइवर जीप को वैन के और निकट ही रखो। फिर उस समय कोर्ट के प्रांगण में सनसनी मच गई जब साहबजा भी ये दोनों तो बेहोश है क्या उस बम नुआ चीज पर स्थिर हो गई इंस्पेक्टर चीता की निगाह। उफ गैस बम ने बेहोश किया इन्हें और कैदी सनसनी लगी चीता की कनपटिया। पल भर की देर न की उसने ताला खोल डालने में और उस पल बक से उठ गया उसका मस्तिष्क। एक कैदी गायब है क्रोध से फटपड़ा इंस्पेक्टर चीता। रामदीन एक कैदी गायब है। तुम वैन ड्राइव कर रहे थे और तुम्हें पता तक नहीं लगा। साहब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि चलती गाड़ी से बिना किसी
हंगामे के और पीछे आपकी मौजूदगी के बावजूद कैदी गायब हो जाएगा। लेकिन साहब कैदी गायब कहां और कब हुआ वो अब समझ में आ रहा है। उस लोरी के एकाक कैदियों को ले जा रही वैन और मेज जीप के बीच में आ जाने का रहस्य तुरंत ही होश में लाया गया उन पुलिसों को। तब साहब यह काम उस लोरी वाले रहस्य में सकल सूरत के व्यक्ति व्यक्ति का ही हो सकता जिसे बेहोश होने से एक क्षण पूर्व ही देख पाए थे हम। रहस्य में सकल सूरत, हाँ साहब कुत्ते से मिलती थी उसकी सकल, कुत्ते से उठते क्या लोरी में डोगा था, एक भीषण झटका और लगा था चीता को। इंस्पेक्टर चीता की भुरकटिया उस अपमान के एहसास से तन्ने लगी जो सत्र न्यायाधीश के सामने उसे अब एक घंटे पश्चात सहना था। इस तरह कैदी का श्रेय गायब हो जाना पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था के लिए बड़े शर्म का विषय। अदालत इंस्पेक्टर चीता को 24 घंटे में भगोड़े कैदी को अदालत में पेश करने की मोहलत देती है ये सोच रहा है। फिर सभी कैदियों को उसमें ले आया गया लेकिन कोई न बता सका कि कैसे क्या हुआ। तब तक वहां पहुंचा सब इंस्पेक्टर विक्रम भी। इंस्पेक्टर चीता ने उसे कुछ निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम तुम इन सब कैदियों का आचार संभालो, इन्हें एक घंटे बाद कोर्ट में पेश होना करना है। मैं कमिश्नर साहब को एक कैदी के गायब हो जाने की रिपोर्ट देकर पहुंचता हूँ। यस सर। इसी पल जैसे गजब हो गया, रेट 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 आ डोबर के नेतृत्व में चला था ये खूनी खेल, गोलियां चला दी। कोर्ट के प्रांगण में खलबली मच गई और हथियारों की कार कई और हवाई फायर करती मेन गेट को पार करती चलेगी। ओ माई गॉड। तब तक इंस्पेक्टर चीता का रिवाल्वर भारा पाता कार वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। यकीन हत्यारे जो भी थे उनका संबंध कैदियों से था और वे नहीं चाहते होंगे कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अदालत से आगे ले सके। वायरलेस पर चीख चीख कर कुछ संदेश प्रसारित करता चला गया। वह जंगल में आग की तरह समाचार कोर्ट में फैल चुका था। कामकाज ठप, हत्यारों की हिमाकत की कहानियां गढ़ी जा रही थी और इंस्पेक्टर चीता पर उतर रहा था खून सवार। निर्दोष हवलदार भी गोलियों के शिकार हो गए। वो करते आप पहुंचे कमिश्नर त्रिपाठी की सफेद एम्बेसडर। शरम शरम, न्यायालय परिसर में घटिया घटना, हम पुलिस वाले के मुंह पर हत्यार हुआ करारा तमाचा है। व्हाट नॉनसेंस। और ये तो व्हाट नॉनसेंस, एक और कैदी कहा इंस्पेक्टर चीता। सर वो कैदी के गायब होने की घटना पता चला गया है कमिश्नर त्रिपाठी को। डोगा ने चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रखा था टाइगर को। बोल टाइगर, जब तक तेरी जुबान सही नहीं बोलेगी ये पतली संठी तेरे जिस्म से खाल उधेड़ती रहेगी। बुलेट की तरह टकरा रही थी वह संठी टाइगर के जिस्म पर। सट सट आ, बता टाइगर वह सोना लेकर तुझे कहां पहुंचना था। डोगा की यातना बर्दाश्त करने का जिगर कहां था उस पर। ठहरो ठहर डोगा, वह माल लेकर मुझे हमेशा की तरह डोबर के पास पहुंचना था। डोबर कौन डोबर। बुलडोग का दाया डोगा। बुलडोग तक केवल डोबर और बुल हाउंड ही पहुंचे। फिर इंस्पेक्टर चीता की जीप के आगे से बड़ी तेजी के साथ गुजर गई वह लोरी। उफ या तो वही लोरी है डोगा। टाइगर के निकट पहुंचकर रुक गई जीप। उफ टाइगर, ये तो टाइगर है। डोगा तुम फिर मेरे हाथों से बस निकले, क्योंकि अगर इस वक्त मैंने तुम्हारा पीछा किया तो टाइगर मेरे हाथ से निकल जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट चीता जहजाबाज पुलिस ऑफिसर डोगा के कारण खोदे यह डोगा को मंजूर नहीं। इंस्पेक्टर चीता, टाइगर के बाद बुलडोग को भी जल्दी सौंप देगा तुम्हें डोगा। लोरी से तो उस नाइट क्लब में प्रवेश करेगा डोगा। ओ यह क्या ब्राम। उफ, सभी के रंग में भंग पड़ गया था ऑर्केस्ट्रा का सुरीला संगम। ऐसे टूटा जानो कि मानो किसी की मौत का समाचार सुन लिया हो। गहरे सन्नाटे को भंग किया लोरी के दरवाजे के खुलने की आवाज और फिर डोगा के कदमों के फर्श पर टकराने के शोरों ने। कौन है ये तो डोगा सूरत से, इसका मुकाबला भी हाल ही में देखा था मैंने। उफ, ये यहाँ क्यों आया है, कैसी सूरत बना रखी इसने कुत्ते सी। सन्नाटे को भंग किया डोगा की सोलिड आवाज ने। ए तुम क्यों खामोश हो गए, बजाओ। डोगा भी नाचना जानता है, बजाओ। अब इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था और सचमुच फ्लोर पर आकर नाचने लगा डोगा। अपनी तो जैसे तैसे, ये तो गाना गा रही, थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, अब क्या क्या होगा जनाब अली। डोबर की प्रतीक्षा थी डोगा को। डोबर आया और पूरी तैयारी के साथ आया, तर आते गोलियां चला दी। एक बार फिर बंद हो गया ऑर्केस्ट्रा क्लब से निकल गए फालतू के लोग। डोगा की निगाह जा चुकी डोबर पर। आओ डोबर, मैं जानता था कि तुम्हें समाप्त तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही मेरे बारे में सुनकर यहाँ चले आओगे।
तुम्हें अपने हाथों से मारना था, इसलिए खुद आया हूं डोगा। बड़ी तेजी से डोगा के हाथ में पहुंची उसकी रिवॉल्वर और दगी गोली भी। ओह धोए डोबर के हाथ से निकल गई स्टैंड गन, दंग रह गया था डोबर। उफ इसके हाथ में रिवॉल्वर का भाई। शूटिंग दोनों के स्टैंड गन एक साथ गरज उठी, तर 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 खोपड़िया भी एक साथ ही चकराई थी दोनों की। ताड़ धड़ाक भीम, डोगा वापस डांस फ्लोर पर खड़ा था, कहर बरस रहा था उसके चेहरे से। डोबर मैं तुझे पूछने आया हूँ कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर खून किसने किया? डोगा तुझे बता देने में मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि अब तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डोबर ने फुर्ती के साथ दबा दिया स्विच क्विक। डांसिंग फ्लोर के घूमने के साथ ही तिर झटका खाकर गिरा डोगा। उफ हाँ डोगा इंस्पेक्टर जंग बहादुर का तो बुल हाउंड ने किया था, क्योंकि उसने बुल डॉग का माल पकड़कर अपनी मौत बुला ली थी। बुलडॉग के इट लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा और इंस्पेक्टर चीता का नाम लिखा डोगा। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने गया है बुलाउंड, और तेरी मौत का इंजाम मैं खुद ही किए देता हूँ। हा हा तर 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 डोगा ने तीर की तरह फेंके ड्रम सेट की पीतल की प्लेटे। साई थड़ाक दाड़ आह डिशुम, कराटे के माहिर दिखाई पड़ रहे थे वे दोनों। या ओह जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। थड़ाक थड़ाक डोगा की दो किकों ने उन्हें उछाल फेंका दूर। धड़ाक आह उफ धड़ धड़ाते वो भीतर परिष्ट हो गई कई और बदमाश, और इधर अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा डोगा को। डोगा तू यही गलती कर रहा है कि अपने बचने के स्थान पर मेरी मौत का इंतजाम कर रहा है। डोगा के हाथ में आ गई थी अपलंकारी गन और निशाना था। च्यूं च्यूं तेज रफ्तार से घूमते हुए पंखे पूरे हॉल की छत पर फैले हुए हैं। डोगा की ओर बढ़ती बदमाश पार्टी की चीखें गूंज उठी। सर ई रॉकेट रॉकेट की तरह इधर से उधर उड़ते हुए गिरे हुए पंखे बदमाशों पर। आह आह काट दिए, गोली तो अंदर जाकर क्षण भर में दम जलंधर कर देती है, पर यह बात तुम्हें लंबे समय तक डोगा की याद कराते रहेंगे। अकेला रह गया डोबर। डोबर मैंने कहा था नहीं तेरी मौत का अंजाम करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब देख छत के उस इकलौते पंखे को जो ठीक तेरे सिर पर नंगी तलवार की तरह लटका हुआ है। डोगा तुम मुझे मार दोगे तो फिर तुम्हें बुलडॉग तक कौन पहुंचाएगा? इसी पल पूरा वातावरण गूंज उठा पुलिस के सारे से। पुलिस वो चौक पड़ा था सनबर को डोगा, और इसे एक पल का लाभ उठा गया डोबर। धड़ाक डोगा दोबारा नहीं उठने दिया डोगा ने उसे। डोबर तेरी उंगली पकड़कर बुलडॉग तक पहुंचेगा भी नहीं डोगा। वाट करकस धवनी में खासकर मौत का वह भयानक विषाणु निकल पड़ा डोगा की गन से। च्यूम डोबर की मौत बनकर आह, भागते कदमों की आवाजें पल प्रतिपल निकट आ रही थी, और इधर डोगा जम चुका था लोरे की ड्राइविंग सीट पर। ओ इंस्पेक्टर चीता डोगा चिकने के साथ ही इंस्पेक्टर चीता चीते किसी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा, और ठीक इसी पल डोगा ने कर दिया एक विचित्र हरकत। उफ यह क्या, मुझे नहीं पकड़ पाएगा इंस्पेक्टर चीता। लोरी के हेडलाइट्स की तीव्र रोशनी से चकाचौंध हो गई सबकी आंखें। तिरव गड़गड़ाहट के साथ लोरी पीछे हटती चली गई। डोगा खुद को मेरे हवाले कर दो, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर चीता के जबड़े एक दूसरे पर शक्ति के साथ बिछ गए थे, उंगली कस गई थी ट्रिगर पर। धाएं और निशाना बेहद अचूक था वह चीता का, पर बदनसीबी इंस्पेक्टर चीता की ठीक उसी समय सरिये पर झूल रहा मलबे का बड़ा हिस्सा डोगा और गोली के बीच आ गया। ने जाने क्यों मेरे दृश्य देखकर रोमांच से भर उठा था डोगा। मानुष बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंस्पेक्टर चीता के हाथ लगी केवल धूल। डोगा के सामने अपनी विफलता पर मन ही मन भुन उठा था इंस्पेक्टर चीता, और भीतर तबाही के साथ साथ डोबर की लाश भी दिखी इंस्पेक्टर चीता को। डोगा टाइगर को मुझ तक पहुंचाकर तुमने न सिर्फ मेरी वर्दी उतरने से बचा ली, बल्कि मुझे डोबर तक पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया, मगर दूसरी तरफ तुम इंस्पेक्टर जंग बहादुर की हत्या का इल्जाम लगाए, इस कारण तुम्हें छोड़ नहीं सकता मैं, और अब तो तुम पर कैदी को फरार कराने का आरोप भी लग चुका है। इधर डोबर के कई शब्दों ने तूफान मचा रखा था डोगा के सीने में। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने गया बुलहाउंड। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज उफ वहीं
एक विचार इसी पल कौन गया था उसे, अगले पल प्रेस कर चुका था इंस्पेक्टर चिता के पहले से खुले पड़े फ्लैट में। क्या बोला उन्होंने अपना काम कर चुका है निमोनिका का अपहरण, वह तय करके मेज पर रखे उस कागज पर जम गई उसी निगाह। पत्र खोलकर पढ़ा उसने और फिर न रुका वह वहां। मोनिका की जान खतरे में, बुलडो के ठाकुर से गूंज उठ रहा था वह होल। हा 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 इंस्पेक्टर चिता तेरी नब्ज पर हाथ रख दिया मैंने, अब तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। शेर पिंजरे में कैद कर रखा मोनिका को, उसके बाहर शेर है। मौत तेरे बाद इस उस कुत्ते डोगा को भी भयानक मौत दूंगा मैं। हा 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 उफ गर, एक बटन दबाए वह समतल कर दिया बुलडॉग ने वह स्थान, और तभी चुम चुम। बुलडॉग तेरी बदकिस्मती की इंस्पेक्टर चीता से पहले डोगा यहाँ पहुंच गया। हाथ में बंदूक लेकर दाड़ने वाले कायर होते हैं ये लोग, मैंने फेंक दी अपनी बंदूक और अपने सभी शस्त्र अस्त्र। डोगा तभी इंस्पेक्टर चीता से पहले, मौत तुम्हें मुबारक। सक्रिय उफिया क्या मोनिका वाले पिंजरे की छत से टकरा कर धड़ाम से फरस पर आ गिरा डोगा। डोगा मोनिका यहाँ कह दे उफ गुर्र। शेर पलक झपकते भूखा शेर टूट पड़ा डोगा पर उसे अपना भोजन बनाने के लिए छत वाला चौकोर रिक्त स्थान बंद हो गया। गुड लक डोगा, डोगा के सशक्त हाथों ने थाम दिया शेर के पंजे। गुर्र लड़की पिंजरे की कुंडी खोलकर पिंजरे की छत पर चढ़ जाओ, जल्दी करो मुझे पिंजरा खाली चाहिए। और इंस्पेक्टर चीता की बहन ने इतना सास तो जुटा ही लिया। उफ मौका दूध नहीं पिया मैंने बेटे, इसलिए खून नहीं बारूद दौड़ता मेरे जिस्म की नसों में। यह देख गुर्र पिंजरे में फेंक दिया धप। और घबराओ नहीं लड़की, डरो नहीं मैं मुझसे, मैं तुम्हें ऐसे छुड़ाने आया हूं, मैं हूं डोगा। डोगा हत्यारा। और इंस्पेक्टर चीता के वे शब्द अभी मोनिका के जहन में गूंज रहे थे। डोगा डोगा भी चढ़ाए पिंजरे पर। डोगा तुम हत्यारे, मुझे किसी हत्यारे की मदद नहीं चाहिए। मेरा यकीन करो मैंने किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं की, मैं जुर्म की दुनिया का बारूद नहीं, जुर्म की दुनिया के लिए बारूद हूं। मुझे फिर भी तुमसे नफरत है, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह डोगा बन जाए तो इस देश में किसी कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है। लड़की अब अगर तुमने देश का कोई कानून मुझे समझाने की चेष्टा की तो वापस पिंजरे में पहुंचा दूंगा, और ध्यान रहे इस बात पिंजरे में शेर भी है समझे। तत्पश्चात डोगा परख रहा था छत से अपने हाथों की दूरी को, इधर ठीक ऊपर छत पर तेरा पत्थर पड़ते ही मैं चला आया। मेरी बहन का डो बुलडॉग इंस्पेक्टर, हमने तुमसे तुम्हें यहाँ एक सौदे के लिए बुलाया है, यह हमारे 2 करोड़ के हीरे हैं, तुम इन्हें हमारी पार्टी तक पहुंचा दो, हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। बुलडॉग खतरनाक शोर में गुर्राया, अन्यथा जो असर बुलडॉग ने बुलहाउंड ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का किया था वही तुम्हारा और तुम्हारी बहन का भी करूंगा। क्या इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून बुलहाउंड ने किया था? ठीक इसी पर फर्श का सीना फोड़कर बाहर आ गया जलजला। और तुम दोनों का क्या असर करेगा डोगा, यह कभी सोचा तुमने? डोगा इंस्पेक्टर चिता तुम्हारी बहन सुरक्षित है। मोनिका भैया बुलडॉग ने छोड़ दिए दोनों कुत्ते, जाओ चीर फाड़ डालो दोनों को। वो पलक झपकते बाहर आ गया इंस्पेक्टर चीता का रिवॉल्वर, लेकिन इसी पल हैरान हो गया चीता। अरे है क्या ये कुत्ते एकाक रुक क्यों गए, मेरी गुर्राहट सुनने के बाद भी नहीं रुकेंगे क्या ये? पलट कर बुलडॉग और बुलहाउंड पर ही टूट पड़े कुत्ते। वो और फिर बेदम करके छोड़ा कुत्ते ने दोनों को। आई बचाओ कमबख्त मेरे, आई खाते रहे और अब मुझे खा गए। आ इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर हथियार तुम्हारे सामने बुलहाउंड। बुलहाउंड खुद ही बात कबूल कर चुका डोगा, आई एम सॉरी मैंने तुम पर शक किया। अपने हथियार लेकर डोगा चलता चला गया, इंस्पेक्टर चीता चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। डोगा एक न एक दिन मैं तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबानी सुनकर रहूंगा। अरे इंस्पेक्टर क्या सोच रहा है, मैं हॉस्पिटल ले चल। मोनिका को मौत के उसको कुएं से बाहर निकाला चीता ने। भैया डोगा कहाँ है, मैं उसे रोक नहीं सका मोनिका, क्योंकि वह सचमुच इंस्पेक्टर जंग बहादुर का हत्यारा नहीं है। दोस्तों कॉमिक समाप्त हुई। दोस्तों पंखा बंद करके गर्मी में पढ़नी पड़ रही है मुझे कॉमिक्स, इसलिए मैं आजकल थोड़ी कम पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।